हे नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों आपात उपबंध के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक में इसके बारे में प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं इसको क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। देखिए, राष्ट्र की एकता, अखंडता और इसकी संप्रभुता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में आपात उपबंध का समावेश किया गया है। इसके तहत भारतीय संघ जो है वह आपातकाल के समय संघात्मक से एकात्मक रूप धारण कर लेता है। ठीक, भारतीय संविधान में आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। संविधान में तीन प्रकार के आपात उपबंध की व्यवस्था की गई है जो इस प्रकार हैं। नंबर एक, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात अथवा राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352। नंबर दो, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात अथवा राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। और नंबर तीन, वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे बारी बारी से। तो नंबर एक, राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तथा उससे संबंधित अन्य विषयों के बारे में है। अनुच्छेद 353 तथा 354 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के प्रभावों को दिया गया है। आपात की उद्घोषणा तथा मूल अधिकारों पर पड़ने वाला प्रभाव अनुच्छेद 358 तथा 359 में दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे इसकी उद्घोषणा के बारे में। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जब कभी राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि कोई ऐसा गंभीर आपात विद्यमान है जिसमें युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह भारत या उसके किसी भाग के संबंध में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। ठीक, ज्ञातव्य है कि मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा प्रतिस्थापित यानी कि बदल दिया गया। यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का संकट सन्निकट है, तो वह आपात की उद्घोषणा घटना घटित होने के पहले भी कर सकता है। राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा तभी करता है जब मंत्रिमंडल इस आशय से लिखित सूचना उसे देती है। तभी लिखित सूचना की अनिवार्यता 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। उल्लेखनीय है कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने गुप्त रूप से आपात की उद्घोषणा करा दी थी। राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा उसे परिवर्तित कर सकता है, अर्थात वापस ले सकता है। जैसे उद्घोषणा करके उसको लागू किया जाता है, वैसे उद्घोषणा करके उसको वापस भी लिया जाता है। ये चीज़ लिखा गया है। नोट में, आपात की उद्घोषणा वापस लेने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सूचना आवश्यक नहीं होती है, लेकिन परिवर्तित अर्थात लागू करने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सूचना आवश्यक होती है। नंबर दो, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख मात्र अनुच्छेद 352 में है, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जोड़ा गया था। नंबर तीन, राष्ट्रपति विभिन्न आधारों पर जैसे युद्ध,
बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अथवा इनके आभास होने पर भिन्न भिन्न उद्घोषणाएँ जारी करने की शक्ति रखता है। नंबर चार, मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा बदला गया था। नंबर पाँच, युद्ध या बाह्य आक्रमण जो है उसको बाह्य आपात के नाम से जाना जाता है। युद्ध या बाह्य आक्रमण को बाह्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है और सशस्त्र विद्रोह को आंतरिक आपातकाल के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उद्घोषणा का अनुमोदन अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा नहीं कर सकता जब तक संघ का मंत्रिमंडल लिखित रूप से ऐसा प्रस्ताव उसे भेज ना दे तब तक, और यह जो है 44वें संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का संकल्प, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का संकल्प जो है वो संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान देने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होगा। ठीक, फिर से पढ़ते रहे हैं। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का संकल्प संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान देने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होगा। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है तथा 1 महीने के अंदर अनुमोदन न मिलने पर यह परिवर्तन में नहीं रहती है, किंतु 1 बार अनुमोदन मिलने पर यह 6 माह के लिए परिवर्तन में बनी रह सकती है। यदि इसे 6 माह से आगे जारी रखना है, तो इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पुनः अनुमोदित किया जाना चाहिए। इस तरह 6-6 माह पर इसे अनुमोदित करके कई बार बढ़ाया जा सकता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, सिचुएशन पर डिपेंड है। अब हम पढ़ेंगे उद्घोषणा का प्रभाव। नंबर एक, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राज्यों की कार्यपालिका शक्ति जो है वह केंद्रीय कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करने लगती है। संसद की विधायी शक्तियों का विस्तार हो जाता है और वह राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, लेकिन विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति समाप्त नहीं होती है, केवल निलंबित हो जाती है। और संसद द्वारा बनाई गई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर 6 माह बाद समाप्त हो जाती है और विधानमंडल एक्टिव हो जाता है। नंबर दो, आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 358 तथा 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 और 359 आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर प्रभाव। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, अनुच्छेद 20 तथा 21 को छोड़कर। नंबर तीन, राष्ट्रपति राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य
करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। ऐसे संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। नंबर चार, लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल को जरूरत पड़ने पर एक एक वर्ष के लिए कई बार बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपातकाल की समाप्ति के बाद अधिकतम 6 माह तक के लिए ही लागू रहते हैं। अनुच्छेद 352 अर्थात राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा है? भारत में अब तक कुल 3 बार 1962, 1971 तथा 1975 में लग चुका है। पहली बार चीन के आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में, दूसरी बार पाकिस्तान के आक्रमण के समय 3 दिसंबर 1971 को तथा तीसरी बार आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने 25 और 26 जून 1975 को लगाया था राष्ट्रीय आपात। चलिए अब पढ़ते हैं दोस्तों दूसरे तरह के आपात उपबंध के बारे में। नंबर 2 है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत जारी किए जाने वाले उद्घोषणा को आम बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। यह दूसरे प्रकार का आपात उपबंध है। संविधान में इसके लिए आपात शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा अनुच्छेद 356(1) के तहत जारी किया जाता है। इसके अनुसार यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि उस राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। यहाँ राष्ट्रपति के समाधान से तात्पर्य है केंद्रीय मंत्रिमंडल का समाधान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 256, 257 तथा अनुच्छेद 253 के तहत संघ की कार्यपालिका को राज्यों को निर्देश देने की शक्ति है। राष्ट्रपति शासन समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति एक और उद्घोषणा करता है, इसे संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक नहीं होता है, जो वापस लिया जाता है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का अनुमोदन, अनुच्छेद 356 के अधीन जारी प्रत्येक उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाती है। उसे प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से 2 माह के भीतर पारित करना होता है, अन्यथा वह स्वतः समाप्त हो जाती है। यदि उद्घोषणा उस समय जारी की जाती है जबकि लोकसभा का विघटन हो गया हो, तो राज्यसभा द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो तो यदि फिर से पढ़ रहे हैं यदि उद्घोषणा उस समय की जाती है जबकि लोकसभा का विघटन हो गया हो और राज्यसभा द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो, तो ऐसी उद्घोषणा को लोकसभा के पुनर्गठन के पश्चात उसकी प्रथम बैठक से 30 दिन के भीतर अनुमोदन किया जाना चाहिए, अन्यथा वह 30 दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की अवधि क्या है? देखिए, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जारी किए जाने की तिथि से 2 माह तक प्रवर्तन में रहती है, किंतु यदि संसद के दोनों सदन इसे साधारण बहुमत से 2 माह के भीतर अनुमोदित कर देते हैं, तो ऐसी उद्घोषणा जारी किए जाने की तिथि से 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है। 6 माह से आगे भी जारी रखने के लिए उसे पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा
पारित किया जाना चाहिए। संसद के पुनः अनुमोदन से उद्घोषणा की अवधि 6-6 माह बढ़ाई जा सकती है, किंतु उसे किसी भी दशा में 3 वर्ष से अधिक अवधि तक प्रवर्तन में नहीं रखा जा सकता। उद्घोषणा का प्रभाव। जब राष्ट्रपति किसी राज्य में अनुच्छेद 356(1) के तहत उद्घोषणा जारी करता है, तब 1, राष्ट्रपति उस राज्य के सभी या कोई कृत्य अपने हाथ में ले सकता है तथा उन शक्तियों को भी अपने हाथ में ले सकता है जो उस राज्य के राज्यपाल या किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित है, किंतु राज्य विधानमंडल में निहित किसी शक्ति को वह अपने हाथ में नहीं ले सकता। 2, राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जाएंगी। 3, राष्ट्रपति कोई ऐसा उपबंध कर सकता है, 3 फिर से, राष्ट्रपति कोई ऐसा उपबंध कर सकता है जो राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी से संबंधित किन्हीं संवैधानिक प्रावधानों में प्रवर्तन को निलंबित करता है या उद्घोषणा को प्रभावी बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ऐसा विधायी शक्तियों का प्रयोग। अनुच्छेद 357 के अनुसार, जब राष्ट्रपति यह घोषित कर देता है कि राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जाएंगी, तब 1, संसद इस बात के लिए सक्षम होगा कि वह राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान कर दे तथा राष्ट्रपति को इसके लिए प्राधिकृत कर दे कि वह विधायन की यह शक्ति किसी अन्य प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर दे, अर्थात अधीनस्थ कर्मचारियों को काम की जिम्मेदारी सौंप दे। लोकसभा के सत्र में न रहने पर राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से व्यय को प्राधिकृत कर सकता है। नोट, आज़ादी के बाद पंजाब वह राज्य है जहां पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। कांग्रेस में फूट की वजह से यहां 20 जून 1951 से अप्रैल 1952 के बीच राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। चलिए अब पढ़ते हैं तीसरे प्रकार के आपात उपबंध के बारे में, जिसका नाम है वित्तीय आपात। यह जो है अनुच्छेद 360 में है। पढ़ते हैं, संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात के बारे में प्रावधान किया गया है। यह तीसरे प्रकार का आपात उपबंध है। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति जो है वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है यदि उसको यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे कि भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय अस्थायित्व अथवा साख जो है संकट में है। तब वित्तीय आपात की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना 2 माह तक प्रवर्तन में रहती है, किंतु यदि संसद साधारण बहुमत से 2 माह के भीतर उद्घोषणा को अनुमोदित कर देती है तो वह अनिश्चित काल तक प्रवर्तन में बनी रहेगी। वित्तीय आपात की उद्घोषणा के दौरान संघ की कार्यपालिका द्वारा किसी राज्य को ऐसे वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों को पालन करने का निर्देश दिया जा सकता है। किसी राज्य के अधीन सेवा करने वाले सभी या किन्हीं वर्ग के व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कमी की जा सकती है। अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगा है, यह हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।